जय श्री श्याम। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम की कृपा सदा आप सभी श्याम भक्तों पर बनी रहे। श्याम भक्तों, खाटू वाले के पावन नाम में कितनी शक्ति है यह कोई भी नहीं बता सकता है। जितना जिसका विश्वास उतनी ही खाटू वाले की उस पर कृपा होती है। इनकी शक्ति का अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता है। जो मनुष्य खाटू वाले की शरण में रहता है उसे बाबा श्याम कभी निराश नहीं करते हैं। ऐसे चमत्कार हमारे आसपास देखने को मिलते रहते हैं, लेकिन अविश्वास के कारण हम उन पर यकीन नहीं कर पाते हैं। इस कलयुग में जल्दी प्रभु के नाम की महिमा पर विश्वास नहीं करता है। लोगों का तो यह भी कहना है कि नाम से यह सब नहीं होता है। तब आपको विश्वास नहीं होता है तो ना सही। आप नाम जप करना एक बार शुरू तो करें, फिर अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा कि नाम जप करने से क्या क्या हो सकता है। वरना हमारे संत महात्मा प्रभु के नाम का बखान नहीं करते। तब कुछ तो होगा ना प्रभु के नाम में। एक बार, सिर्फ एक बार विश्वास के साथ प्रभु के नाम को तो लेकर देखो। खाटू वाले का नाम लेने मात्र से ही आपका कल्याण होकर रहेगा। प्रभु का नाम आपके सभी पाप कर्मों को नष्ट कर देता है, जिससे आपका भाग्य उदय अपने आप ही हो जाता है। आप स्वार्थ से करो या निस्वार्थ करो, लेकिन नाम जप जरूर करें। आपके दोनों लोग सवर जाएंगे। कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा। आज की जो सत्य कहानी सुनाने वाली हूँ ये अलीगढ़ के रहने वाले प्रवीण जी की है। इस सत्य कहानी को सुनकर आप भी खाटू वाले की नाम की महिमा को जान जाएंगे। इस सत्य कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मेरा नाम प्रवीण है, मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। आज की जो सत्य कहानी मैं बताने जा रहा हूँ वो मेरी आप बीती है, कि मैं किस तरह से किन किन हालातों से बाहर निकला हूँ। और लोग तो कहते हैं कि मैं अकेला हो गया हूँ। किसी के छोड़ जाने के बाद या किसी के धोखा मिलने से ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है हमारे साथ, हम इस झूठे संसार को अपना और प्रभु को पराया मानते हैं, इसलिए ही हम अकेला महसूस करते हैं। पहले मैं अपने आप को अकेला ही महसूस किया करता था। ऐसा कहते हैं, जब आप अकेले होते हैं, चाहे आप माने या ना माने, पर प्रभु हमारे साथ हमेशा होते हैं। लेकिन तुम्हारा ध्यान संसार की तरफ होता है, इसलिए ही हम प्रभु को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। आज मैं अपना वही अनुभव को आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ताकि इससे लोगों को कुछ प्रेरणा मिल सके। कोई भी दोस्त मेरा अपना नहीं था। यदि कोई काम पड़ता उनका तो वो मुझसे मिलते, वरना कोई मतलब नहीं था। लेकिन बोलने के लिए सबसे अच्छा दोस्त कोई नहीं था। कोरोना काल में एक लड़की से प्रेम कर बैठा। धीरे धीरे बात करते करते प्रेम गहरा हो गया। उससे मैं बिना बात करे नहीं रह पाता था। हर पल उसी के बारे में ही सोचता रहता था। तब एक दिन ऐसा हुआ कि उसने मेरे साथ बात करना बंद कर दिया और मुझे छोड़कर चली गई, और मैं अकेला हो गया। मुझे रात भर नींद नहीं आती थी, हर समय रोता रहता था, बहुत टेंशन होती थी। टेंशन की वजह से खाना पीना सोना किसी का कुछ नहीं पता था। भूखा प्यासा रोता रहता था। मैं उसका वियोग सहन नहीं कर पा रहा था। मैं उससे बेहद ही प्यार करता था। बोलते हैं ना, समय हर घाव को भर देता है। मुझे उस परेशानी से निकलने में 6 से 7 महीने लग गए। फिर मैं धीरे धीरे उस बुरे सपने से बाहर निकलने लगा। मुझे नॉर्मल होने में काफी वक्त लग गया। फिर कुछ समय के बाद मेरे जीवन में एक लड़की और आई। उसी तरह उससे भी बात करने लगा और उसके प्रति भी बहुत प्रेम हो गया। पर हमेशा एक डर सताता रहता था कि कहीं ये भी मुझे उसकी तरह ही छोड़कर ना चली जाए। फिर पता नहीं इस बात को ही सोच सोच कर परेशान रहने लगा और डिप्रेशन में जाने लगा।
उसी बीच मेरी एक श्याम प्रेमी से मुलाकात हुई। वो हर महीने अलीगढ़ से खाटू धाम बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए जाता था। मेरे साथ काफी अपनी परेशानियां भी थी और साथ ही अपने प्यार को खोने का डर लगा रहता था। फिर उन्होंने मुझसे सिर्फ एक बात बोली कि आप कुछ मत करो, केवल और केवल खाटू वाले का नाम ले लो, उससे ही आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। खाटू धाम जाओ या मत जाओ, पर केवल श्याम नाम लेने मात्र से ही सब कुछ संभव हो सकता है। तब मैंने YouTube पर संत प्रेमानंद गुरुजी की वीडियो देखी। तब उन्होंने प्रभु के नाम जप के बारे में बताया हुआ था। मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनकी वीडियो को देखकर। उन्होंने एक वीडियो में कहा हुआ था कि आप किसी का भी नाम जप करो, जिनको भी आप मानते हो, प्रभु तो सब एक हैं, रूप अनेक हैं। फिर मैंने श्याम नाम का जप करना शुरू कर दिया। कहते हैं ना, इस माया रूपी संसार में कोई भी किसी का नहीं होता है, भाई बहन, माँ बाप, पति पत्नी और साथ ही सब दुखी हैं। हर एक मनुष्य किसी ना किसी वजह से दुखी है, सुखी तो केवल प्रभु के नाम जापक हैं। मैं उन संत जी के वचनों से एकदम संतुष्ट था। मेरे अंदर एक विश्वास जागृत हुआ कि मुझ पर भी एक दिन प्रभु की कृपा जरूर होगी। फिर मैं श्याम नाम का सुबह मंत्र किया करता था और सारे दिन श्याम नाम का मानसिक जप किया करता था। मुझे अपनी प्रेमिका को खोने का जो डर रहता था वो सब शांत हो गया और उनसे मेरा मन हटकर नाम जप में लग गया और मैं नाम जप के लिए प्रेरित होने लगा। आज ऐसा हो गया है कि मेरी प्रेमिका से बात नहीं हो रही है, लेकिन मेरा मन एकदम शांत है। कोई मन में भटकाव नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई चिंता नहीं है। मेरे अंदर प्रभु के अलावा किसी और के लिए कोई बेचैनी नहीं है। आराम से रहता हूँ, प्रभु का नाम लेता हूँ और अब मैं अपने आप को अकेला भी महसूस नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं हर पल हर समय प्रभु की शरण में हूँ। वो खाटू वाला मेरे साथ है, तब अकेलापन किस बात का। बाबा श्याम हर पल मेरे साथ हैं, इस बात का हमेशा एहसास रहता है। संत जी सही कहते हैं, इस संसार में मनुष्य लोगों को अपना और प्रभु को पराया मानने की भूल कर बैठते हैं और प्रभु की कृपा को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। प्रभु के प्रेम से मनुष्य वंचित रहते हैं। अब खाटू वाले की कृपा मुझ पर निरंतर बनी हुई है। मेरे ऐसे ऐसे कार्य पूर्ण हुए हैं जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हर पल उनकी कृपा मुझको महसूस होती है। मुझको बाबा श्याम के दिव्य दर्शन भी होते हैं। आज मैं बेहद ही खुश हूँ। किसी भी प्रकार की मुझे कोई परेशानी नहीं है, बल्कि मैं तो खुश होता हूँ क्योंकि प्रभु मेरे साथ हैं और वो हमेशा ही साथ थे। हम ही माया के कारण उनको भूल बैठे थे। अब मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है प्रभु की प्राप्ति। अब तो मेरा मानना है कि जब नाम जप करने से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है, तब हम अपने मन को इधर उधर क्यों भटकाते हैं। जब आप प्रभु को याद करते हैं तब आपको कुछ नहीं करना होता है, फिर तो सब कुछ प्रभु ही करते हैं। जो आपके लिए अच्छे से अच्छा हो सकता है वो आपको मिलता है। बस आपको तो भाव और विश्वास के साथ प्रभु का नाम जप करना है। आज और अभी से नाम जप करना शुरू करें और अपने जीवन को नया मोड़ दें। आपको आज की सत्य कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप खाटू के राजा श्याम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा श्याम भक्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी बाबा श्याम की सत्य कहानी, चमत्कार और महिमा सुन सकें। हारे के सहारे की जय, तीन बांधारी की जय, सच्चे दरबार की जय, लख दातार की जय, शीश के दानी की जय, खाटू नरेश की जय, अहिल्यावती के लाल की जय। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जय श्री श्याम।